ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिमला में शराब के नशे में चूर एक व्यक्ति की गाड़ी का चालान काटने पर युवक पुलिस कर्मियों को सीएम से लेकर डीजीपी की दोस्त जमाते हुए सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल हो रहा है। सोमवार रात शिमला के विक्ट्री टनल के पास शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जब पुलिस ने चालान काटा तो युवक भड़क गया और पुलिस कर्मियों को ट्रांसफर करा देने की धमकी देने लगा। युवक कह रहा है कि उनकी पहुंच मुख्यमंत्री तक है। उसने कहा, पहले मेरी बात सुनो, अभी अभी पीटर हाफ में मंत्री जी के साथ बैठा था, एडिशनल एसपी को नहीं बल्कि डीजी साहब तक है पहुंच। शिमला में शराब के नशे में चूर एक व्यक्ति के गाड़ी का चालान काटने पर युवक पुलिसकर्मी को सीएम से लेकर डीजीपी की धौंस जमाते हुए सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। सोमवार रात शिमला के विक्ट्री टनल के पास शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जब पुलिस ने उसका चालान काटा तो युवक भड़क गया और पुलिसकर्मी को ट्रांसफर देने की धमकी तक देने लगा। वहीं वायरल हुई इस वीडियो में युवक कह रहा है कि उनकी पहुंच मुख्यमंत्री तक है। उसने ये तक कहा कि पहले मेरी बात सुनो, अभी अभी पीटरहॉफ में मंत्री जी के साथ मैं बैठकर आया हूं, एडिशनल एसपी को ही नहीं बल्कि डीजीपी साहब को भी मैं जानता हूं। देखते हैं ये वायरल वीडियो। भाई आप देख, मैंने एडिशनल एसपी साहब को, मेरी बात सुनो, देखो बड़े भाई मेरी बात सुनो, 45 में भी हूँ मैं, कोई बच्चा तो हूँ नहीं, पीटरहॉफ में बैठा था मैं मंत्री जी के साथ। सुन लो मेरी बात सुनो पहले, अब आप अगर लोकल हो, शोगी के हो, आसपास के हो, कहीं के भी हो, मैं भी ग्रामीण सेक्टर हूँ, ठीक है ना भाई। आपने ये कर दिया ना आज, अब ये देखना आपने शिमला, आप बोलो कहाँ जाना आपने, मैं वहाँ ना भिजवाना कुत्ता बोलना, जहाँ मर्जी बोलोगे आप, मेरे को कुत्ते की औलाद बोलना आपने। आपका मैंने योगेश नाम लिख लिया है, अभी मैं बात करूंगा, अभी जाते ही। और कुछ आप बोलो कहाँ जाना, काजा जाना है आपने, काजा भेजूंगा मैं, ठीक है, काजा काजा भेजिए आप ना भेजूं। बहुत अच्छी बात है सर, आपकी पहुंच तो बहुत ज्यादा ऊपर है। अरे पहुंच तो मेरी, अभी मैं मुख्य, ये देखो मुख्यमंत्री का नंबर है मेरे पास, मैं नहीं, मैं देखो फू तो नहीं करता, मतलब मिस यूज करेंगे चीज का, नहीं मिस यूज की बात, मतलब आपका बड़े भाई, मैंने आपको आपको मैंने आपको मैंने क्या बोला था बड़े भाई, मैंने ये बोला था कि भाई मैं गलत हूँ, आप गलत नहीं, मैं गलत हूँ, जो मैं अपना काम कर रहा हूँ मैं गलत हूँ, सही काम कर रहा हूँ, जो आप गलत है आप, नहीं नहीं मेरी बात सुनो, गलत तो भाई जी ऐसा है ना, अभी मैं आपको ऐसे ऐसे गलत बंदे बता दूंगा, ये तो चलो शराब पी के है, तो सारे चिट्टा पी के है, उनका क्या कर रहे हैं आप, हमारा ड्रंकन ड्राइव का नाका है तो ड्रंकन ड्राइव का ही करेंगे। मटी साहब ने किया ना, मटी साहब को फोन मिलाऊंगा, चलो छोड़ो मैं नहीं बोलूंगा, करो सर करो, योगेश मेरे भाई मैं गलत नहीं बोल, अरे कैसी बातें कर, आप मेरे से छोटे होंगे बड़े नहीं होंगे, तभी रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ, आप छोटे भी होते तभी मैं रिस्पेक्ट, नहीं 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 देखो मेरी बात सुनो आप, मैं कोई रिस्पेक्टफुली बात, तो मैं भी रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ आपसे, मैं ऐसे बहस नहीं रहा, मैंने सर बहस की आपसे, मैंने क्या बोला था, सिंपल बड़े भाई मैंने क्या बोला था आपको, आप देख लो अपने हिसाब से, पेनलाइज करना मैं तैयार हूँ, उसके लिए मैं तैयार था, आपके मुंह पे बोले तो हमारे को पावर ही है सर, ड्रंकन ड्राइव में तो हम कैसे मैं आपके पास सब कुछ है पावर, तो भाई साहब देखो अगर आप पावर की बात करो ना, पावर तो फिर देखो अगर आप कानून और उसकी बात कर रहे हो, मेरी बात नहीं 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 मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, अभी मैं बोलूंगा नहीं, मैं दिखाऊंगा, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा, अरे छोड़ो मैं नहीं बोल रहा, वो बाद की बात है, काजा भेजू पानी भेजू वो अलग बात है, नौकरी आपने करनी है, मैंने भी नौकरी की है, मैं दिल्ली इंटेलिजेंस में रहा हूँ, छोड़ो परे, पे तो देखो पे तो मेरी आज भी चली गई है भाई, मैं कहाँ रह गया हूँ, एसपी जी कई जगह रह गया हूँ, मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा सर, मैं कुछ नहीं बोल रहा आपको, मैं आपको बोल रहा हूँ ब्रदर, मैं भी कई जगह धक्के खा के तब आया हूँ यहाँ, क्योंकि आज मेरा बाप नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, तब मैं यहाँ हूँ, नहीं तो मैं कहीं और होता, मैं यहाँ नहीं होता, आप साइन करो सर, नहीं आपने साइन करना है, मैं नहीं करूँगा, नहीं करेंगे आप साइन, ये पीछे फिलअप हो गया पूरा, प्लान नंबर वगैरह इसमें डाल दिया, बात की बातें हैं, प्लान नंबर डाल दिया, ठीक है, ऐसा है ना, रिफ्यूज टू सिग्नेचर, दुनिया बहुत छोटी है, रिफ्यूज
फिर के हम फिर मिलेंगे, फिर याद करना हमने और भाई को एक बार बोलना कि भाई ये जरूर थी रिफ्यूज। और अगर भाई ने आर ई एफ यू कुत्ता बोल एस ई डी एस ई डी करो रिफ्यूज सिग्नेचर एस आई जी एन ए टी यू आर रिफ्यूज सिग्नेचर। आज जो उम्र की लिखो इसमें वो तो कोर्ट में होता है सारा कुछ, कानूनी कार्रवाई सारी वहाँ होती है कोर्ट में। आप कुछ भी बोल लो, ये रिफ्यूज किया वो किया वो छोड़ो, नहीं वो तो जो है वो ये तो कॉपी जाएगी जाएगी सर कोर्ट। दे दो ये ले लो सर, ये बड़े भाई आप ये ये हमारे से बड़े हैं, देखो बाल भी छेद हो गए हैं। एक कॉपी भी नहीं लेंगे सर बाल, इतना फर्क है। एक कॉपी तो लेंगे ना सर आप? सर ये बिल्कुल लेंगे, आप बड़े भाई है आपकी, आप बोले जूता मारेंगे सर, मैं जूता भी लूंगा। कमाल कर रहे हैं आप यार, बड़े भाई कमाल कर रहे हैं आप, इतने नाराज ना हो यार। नहीं नहीं सर हम तो हमने तो बोला ही कुछ नहीं आपको, मैंने आपको हमने तो बोला ही कुछ नहीं। बड़े भाई मैंने कुछ बोला नहीं, फिर अब आप जा सकते हैं सर। मैंने नहीं कुछ बोला आपको, अब आप जा सकते हैं सर, मेरी तरफ से आप आएंगे, सबने जाना है एक दिन जी। यहाँ तो कोई नहीं रहा सदा के लिए, सब नहीं जाना है। क्या पता रोज मैं हाँ जी नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा तो कहीं मैंने आपको देखो रिक्वेस्ट की थी, आपने मेरी बात नहीं होती, नहीं होती हमारा कर्म नहीं, मेरे को एडिशनल एसपी ने क्या बोला, उसने क्या बोला, एडिशनल एसपी ने मेरे को ये बोला कि उसने क्या बोला, मैंने वो तो करे बैठा, बोले आप फिर आप उसी को देंगे। एडिशनल एसपी बोल गया है मेरे को ये बात, आपका ऑफिसर जी बस क्या बोलूंगा, ज्यादा क्या बोलूंगा। एडिशनल साहब कुछ नहीं बोला कि ड्रिंक एंड ड्राइव में, चलो छोड़ो ड्रिंक एंड ड्राइव में वो बात छोड़ो भाई, क्या है ड्रिंक एंड ड्राइव में 45 साल की उम्र में अगर चार पैक मैंने मार भी दिए कोई गुनाह तो नहीं कर दिया। ड्राइव मत करो आप, घर में पियो, जो मर्जी करना पर ड्राइव मत करो भाई साहब। ये तो यहाँ तुम्हारा क्या फायदा, फिटर हाउस से यहाँ तक, फिटर हाउस से यहाँ तक आया हूँ, मैं दिल्ली से यहाँ तक आया हूँ टोटल वीक। मत करेगा तो तेरे खाते कर दूंगा, मैंने बोला बोला सर बोला सर आपने कल देखा तो कहाँ जाएगा, खाता पहुँचा होगा, अगर खाता नहीं पहुँचा तो मैं कुछ के लाऊंगी।